एपिसोड 94 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। अर्ल अपने जादू से चैन पर हमला करता है। तभी चैन बोलता है, फेरी गोल्डन आई, ये सब कुछ जला देता है, यहाँ तक कि गोल्ड और मेटल भी, और वो उससे हमला कर देता है। अर्ल अपने मन में बोलता है, ये तो प्योर फ्लेम है। फिर वो अपने स्टाफ से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन वो चैन का हमला को संभाल नहीं पाता है। चैन बोलता है, अब समय हो गया तुम्हारे मरने का। जीव ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलती है, मास्टर जीतने वाला है। तभी कोई चैन पर खुद से हमला करता है। चैन अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, मैं सोर्ड फॉर्मेशन से मेरा कनेक्शन टूट रहा है और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा है। वो खून चैन के फेरी गोल्डन आई को टक्कर दे रहा होता है। डार्क डूब बोलता है, ये होली ग्रेल है, ताजा खून का। चैन बैक्सोन, ये ब्लड क्लैन का टॉप इमॉर्टल एपरेटस है। इसके अंदर मिलियन लोगों का खून कलेक्ट करके रखा हुआ है। क्या तुम इन सभी को जला पाओगे? बाहर हंसते हुए बोलता है, ये हुआ ना बात, अब हम लोग जीत रहे हैं। जियो अपने मन में बोलती है, सिर्फ अभी थंडर सील ही बाकी है। क्या मास्टर सही में हारने वाले हैं क्या? और इसने टोंगसन को भी हरा दिया है। डार्क डूक बोलता है, हे चैन, क्या तुम सही में अपनी जिंदगी के लिए हमसे माफी नहीं मांगोगे? तुम कुछ ही देर में ये डेमोनिक ब्लड में पूरी तरह मिक्स हो जाओगे, फिर तुम अंधेरे में चले जाओगे और कभी भी इसके बाद रीइनकार्नेट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर चैन के सभी साथी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बार बोलता है, हे चैन बैक्सियन, मैं ये कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके आज तुम्हारा गला को काट डालूंगा। फिर उसके बाद सभी को पता चल जाएगा कि डार्क ब्रांज सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, मैं लगभग बहुत सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये होली ग्रेल ब्लड कम्प्लीट स्पेस एपरेटस है और ये कम से कम टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल एपरेटस होगा। इसमें इतना सारा लोगों का खून है, पता नहीं इसे भरने के लिए ये लोग कितना लोगों को मारा होगा। तभी चैन चलाते हुए बोलता है, थंडर सील, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक का घेरा बन जाता है। तभी क्लॉड चैन पर हमला कर देता है और शॉक्ड होकर बोलता है, क्या मैं इस पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? चैन बोलता है, मैं एक महीने पहले इमॉर्टल लेवल के एकदम लास्ट में आ चुका हूँ। मैं ये ताकत को छिपा के रखा था कि मैं इसका इस्तेमाल अर्ट इमॉर्टल पर करूंगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसे लोग मुझ पर हमला कर पाओगे। डार्क डूक शॉक्ड होकर बोलता है, क्या चैन बैक्सियन अर्ट इमॉर्टल में जा रहा है क्या? सभी लोग इस पर एक साथ हमला करो, हम लोग इसका ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं। चैन बोलता है, तुम लोगों को सही में मरना पड़ेगा। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, चैन बैक्सियन को किसी तरह रोको, नहीं तो वो अपना लेवल बढ़ा लेगा। तभी कुछ देर के बाद चैन एक आर्मर पहन लेता है और बोलता है, आज मैं सी इमॉर्टल के एकदम हाई लेवल में पहुंच गया हूँ और मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन गया हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलता है, इमूट इनैक्ट स्किल। तभी अर्ल उस पर हमला करते हुए बोलता है, गामा रे, लेकिन चैन उसके हमले को आराम से रोक देता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? चैन अपने टेक्निक से उसे एक मच्छर की तरह मार देता है। बाढ़ गुस्से से बोलता है, चैन बैक्सोन, तुमने अर्ल को मार डाला, मैं इसका बदला तुम्हारे सर को काट के लूंगा। फिर वो अपने कुल्हाड़ी से चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो। फिर वो बाढ़ पर हमला कर देता है। बार शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? और वो कुछ ही देर में फट जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते और बोलता है, बार मारा गया, चैन ने इसे एक ही पंच में मार डाला, इसके अलावा ये कभी भी जन्म नहीं ले पाएगा। डार्क डूब चैन को बोलता है, क्या तुम अब अर्ट इमॉर्टल बन गए हो क्या? चैन बोलता है, अर्ट इमॉर्टल नहीं, अभी नहीं बना हूं। अगर यहाँ पर अर्ट इमॉर्टल भी होता फिर भी मैं उसे एक ही वार में मार डालता। डार्क डूब चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग भागो। चैन बोलता है, भागकर कोई फायदा नहीं होगा, तुम मेरे हाथों से आज मरोगे ही। तभी क्लॉड चैन पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारा एपेडाइटिस इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम अर्ट इमॉर्टल में नहीं हो और तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। चैन अपने हाथों से उसके तलवार को पकड़ लेता है और उसे उठा के फेंक देता है। चलो अब समय हो गया है तुम्हारे मरने का। फिर वो एक ही पंच में उसे मार डालता है। डार्क ड्यूक अपने एपेडाइटिस के कारण वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके सभी साथी वहां पर मर जाता है। दूसरी तरफ डार्क आर्मी अपने मन में बोलता है, अब हम लोग क्या करें? जुडाई बोलती है, मास्टर हम लोग इनका क्या करें? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, माय लॉर्ड, मैं ये डार्क ब्रांच का चीफ हूँ, आपने डार्क ब्रांच को हरा दिया है, हमें आपका ताकत के बारे में पता चल गया है, हम लोग ये सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। चैन बोलता है, तुम लोग का इतना हिम्मत कि तुम लोग मुझ पर हमला किए वो भी मिलकर, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा जा पाओगे? मैं तुम सभी को मार डालूंगा। वो आदमी बोलता है, ये सभी लोग ब्लड एंसेस्टर का चेला है, तुम पहले ही डेमन और चार ब्लड गार्जियन को मार चुके हो, अगर तुम हमें मारोगे तो ब्लड एंसेस्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चैन बोलता है, ठीक है उसे आने दो और इन सभी को मार डालो। वो आदमी चलाते हुए बोलता है, सभी लोग अलग अलग दिशा में भागो और जल्दी से जाकर मास्टर को इस बारे में बताओ। जुड़ाए अपने मन में बोलती है, अगर यहाँ से एक भी भाग गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगा। चैन बोलता है, अगर मैं इमॉर्टल सी लेवल में नहीं होता
तो तुम लोग यहाँ से आराम से भाग पाओगे। फिर वो डार्क फोर्स का कुछ मेंबर का खून एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है, डेमन मेरे पापा के ऊपर कर्ज किया था और मैं इसके लिए पूरे ब्लड डेमन को खत्म कर दूंगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड लाइन कर्स, 3 ब्लड लाइन का जेनरेशन को खोजो। फिर वो अपना गोल्डन फेयरी आई से हाथों पर हमला कर देता है, जिससे डार्क फोर्स के सभी मेंबर जलने लग जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है, चैन बैक्सोन, तुम इसके लिए पछताओगे। जब हमारा मास्टर उठ जाएगा वो तुम्हारा टुकड़ा कर देगा। चैन अपने मन में बोलता है, ये ब्लड लाइन का सोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लगता है कि सही में डार्क ब्लड क्लैन पृथ्वी में है। अभी के लेवल में मैं इनिट लेवल को इसे मार नहीं सकता हूँ, और वो सही में कहीं सो रहा है। अगर वो जाग भी गया फिर भी मुझे डरने की क्या जरूरत है। आज के बाद पूरा डार्क ब्रांच खत्म हो चुका है, सिवाय डार्क ड्यूक को छोड़ के। वैसे भी वो आगे चलकर कोई भी दिक्कत पैदा कर नहीं पाएगा। जुड़ाए और जीव बोलती है, मास्टर हम लोग जीत गए। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। एक आदमी आके बोलता है, चैन बैक्सोन अब प्लीज रुक जाइए, अब किसी और आदमी को मत मारिए, बताइए आपको इसके बदले क्या चाहिए। चैन बोलता है, डार्क फोर्स की जगह में मेरा नॉर्थ जेवल सेक्टर हो और नॉर्थ जेवल को पूरा छूट दिया जाए यूरोप में रहने का। वो आदमी बोलता है, आपका कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चैन बोलता है, अगर ऐसा बात है मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगा, क्योंकि अभी तक डार्क ड्यूक मरा नहीं है, तो मैं इसे खोज के मार डालूंगा। वो आदमी अपने मन में बोलता है, अगर ऐसे चलता रहा तो यूरोप के सभी लोग यहाँ पर मारा जाएगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं इस बारे में लीडर से बात करता हूँ, फिर मैं आकर आपको इस बारे में बताता हूँ। जीव बोलती है, मास्टर आपने वो डार्क ड्यूक को मारा क्यों नहीं, अब उसे जाने दिए है ना। अगर डार्क ड्यूक यही आसपास है तो आप उसे आराम से मार सकोगे ना, और इन लोगों के पास इतना ताकत नहीं है कि आपसे लड़े। चैन बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। ये लो कुछ हथियार, नॉर्मल लोगों के लिए ये इमोर्टल एपरेटस को पाना एक सपना है, लेकिन मेरे डिसेबल लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सा मेटल है। वो दोनों हथियार लेके बोलते हैं, आपका शुक्रिया मास्टर। चैन क्रिस्टल को निकाल के बोलते हैं, इसे ही ना खुशी बोलते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा लक्की था कि मुझे ये डार्क ब्रांच में मिल गया। यही इमोर्टल क्रिस्टल, इसे सिर्फ गॉड रिफाइन कर सकता है। ये क्रिस्टल में बहुत सारे निशान भी है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये बड़ा फॉर्मेशन का चाबी है। डार्क ब्रांच के पास एक सीक्रेट वॉल्ट है, हमें वहाँ पर अभी जाना होगा। फिर कुछ देर में वो लोग सीक्रेट वॉल्ट में पहुंच जाता है। जीव बोलती है, टीचर हम लोग इसे कैसे खोलेंगे। चैन बोलता है, ये दरवाजे पर स्पेल कास्ट किया गया है और ये पूरा सीक्रेट वॉल से कनेक्टेड है। अगर हम लोग पूरा वॉल्ट को खत्म कर दे तो ये जाकर खुलेगा, और इसे खोलने का दूसरा तरीका भी है। फिर वो क्रिस्टल वो दरवाजे के जानवर के मुंह में रख देता है और वो बड़ा सा दरवाजा कुछ ही देर में खुल जाता है। जुड़ाए बोलती है, ओह माय गॉड, ये सभी लाइट तो स्पिरिचुअल एपरेटस है ना, और यहाँ पर इसका संख्या बहुत ही ज्यादा है। चैन बोलता है, रुको ये तो इमोर्टल क्रिस्टल है, ये देख के लग रहा है ये कम से कम 100 होगा। 100 इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पर छिपा हुआ है, इसकी मदद से मैं अपना कल्टिवेशन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये जगह तो पक्का ब्लड एंसेस्टर का ही होगा। अगर मैं सभी इमोर्टल क्रिस्टल को यहाँ से ले गया तो वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, जितना वो पास ब्लड गार्जियन के मरने पर भी नहीं हुआ होगा। इतने सारे इमोर्टल क्रिस्टल से मैं पक्का इनिट लेवल के हाफ स्टेप में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इनिट लेवल में पहुंचने में कामयाब हो गया तो मैं आराम से 10 ब्लड एंसेस्टर को मार सकता हूँ। फिर वो बोलता है, सब कुछ यहाँ से ले चलो, यहाँ पर कुछ छोड़ना मत। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। जुड़ाए अपने मन में बोलती है, मास्टर अभी भी इमोर्टल एपरेटस को रिफाइन कर रहा है। तभी अचानक से कोई आदमी उसके पीछे आ जाता है। जुड़ाए उसे एक ही वार में मार देती है और अपने मन में बोलती है, कुछ दिनों से बहुत सारे जासूस आ रहे हैं और मैं उन सभी को मार नहीं पा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मास्टर इसे जल्दी खत्म कर दे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग हमें मारने के लिए आर्मी भेज देंगे। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, मैं पिछले 3 दिन और रात से मैं गोल्डन इमोर्टल फ्लेम को रिफाइन कर रहा हूँ, आखिरकार मैं इसमें कामयाब तो हो गया। पास एलिमेंट मेरा बात सुनो, अपना लाइटनिंग से यहाँ पर हमला करो। तभी वहाँ पर बहुत जोर से लाइटनिंग गिरता है